नमस्कार, आप देख रहे हैं RAG न्यूज। कोरोना से कोई अछूता नहीं, पूरा देश इसके दर्द से कराह रहा है। बिहार में काबा गाने वाली लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की आंखों में भी आंसू दिखे और लोगों को गुदगुदाने वाली नेहा फरियादी की भूमिका में दिखी। अच्छी बात यह है कि उनकी मां की तबीयत अब ठीक है। कैमूर के रामगढ़ से RJD विधायक सुधाकर सिंह ने RAD संवाददाता बीना सिंह से खास बातचीत की। बीना बोल रही हूँ सर, RAD न्यूज से। योगेश सर से आपका नंबर मिला है। जी हाँ 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 जी नमस्कार। हाँ सर, सर एक्चुअली खबर मिली है कि आप नेहा सिंह राठौर के मम्मी का सर जो अस्पताल ले जाने का प्रोसेस था सर, वो आप किए हैं, तो उन्हीं से जुड़े सर बात करना था उनसे जुड़ी। हाँ स्वाभाविक है, मेरे घर के गाँव के बगल में रहते हैं लोग, तो हमारा ड्यूटी है करना। हाँ सर, अभी कैसी हैं सर उनकी मम्मी? जी वो ठीक हैं, स्वस्थ हैं। मैं एकदम सही समय पर हॉस्पिटल पहुंच जाने से, इलाज प्रिलिमिनरी स्टेज में होने से मैंने राहत है। हाँ सर, देर होता तो दिक्कत होता, लेकिन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन मेडिसिन मिल जाने से काफी राहत है उनको। दरअसल इससे पहले लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने शुक्रवार को ट्विटर पर रोते हुए लोगों से मदद की गुहार लगाई और देखते ही देखते उनका ये वीडियो वायरल हो गया। नेहा सिंह राठौर की रोते हुए मदद की गुहार के बाद एक के बाद एक हाथ सामने आए। कवि कुमार विश्वास, मनोज वाजपेयी जैसे दिग्गज शख्सियतों ने उनकी मदद के लिए गुहार लगाई और इसका नतीजा तुरंत सामने आया। जाने माने कवि कुमार विश्वास ने नेहा के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को टैग किया और उनकी मदद करने के लिए गुहार लगाई। कुमार विश्वास के इस ट्वीट का जवाब देते हुए RJD नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जानकारी दी और कहा कि उनकी मदद की जा रही है। तेजस्वी यादव ने कुमार विश्वास के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, कुमार भाई, नेहा बहन की माताजी को सदर अस्पताल में हमारे विधायक सुधाकर सिंह जी ने ही भर्ती कराया था। अब उनकी इच्छा अनुसार उन्हें नारायण मेडिकल कॉलेज जमुहार में शिफ्ट करा रहे हैं। जरूरी दवा के लिए विधायक जी अपनी गाड़ी वाराणसी भेज चुके हैं। हमारी टीम लगातार नेहा बहन के संपर्क में है और इसकी पुष्टि RAD न्यूज संवाददाता बीना सिंह से बातचीत में रामगढ़ के विधायक सुधाकर सिंह ने किया है। नेहा ने अपनी कोरोना पीड़ित मां की मदद के लिए गुहार लगाई थी। उन्होंने बताया कि मां का इलाज कैमूर के सरकारी सदर अस्पताल में हो रहा है, लेकिन अब उनकी तबीयत कुछ ज्यादा खराब लग रही है। उन्हें नजदीक के निजी मेडिकल कॉलेज में ले जाने की सलाह मिल रही है, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वहाँ इलाज करा सके। हेलो दोस्तों, मैं नेहा सिंह राठौर और मेरी माता जी कोविड पॉजिटिव हैं और मैं यहाँ भभुआ में एकता चौराहा के पास सदर अस्पताल में मैंने उनको नोवल कोरोना वार्ड में एडमिट किया हुआ है और डॉक्टर्स का कहना है कि अगर किसी मेडिकल कॉलेज में या जमुहार मेडिकल कॉलेज कोई है सासाराम के पास, अगर वहाँ पे इनका ट्रीटमेंट होता तो ज़्यादा बेहतर रहता, क्योंकि वहाँ पे स्पेशलिस्ट हैं। तो मेरे पास तो बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं हैं, तो प्रशासन से ये अनुरोध है कि प्लीज़ हेल्प करिए। ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, हेल्प करिए, हमारी माता जी की तबीयत खराब है। नेहा राठौर की इस अपील पर मदद को कई हाथ आगे बढ़े, लेकिन सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे लोगों की कानों पर जू नहीं रेगा और तेजस्वी यादव दरिया दिली दिखाते हुए मदद को आगे आए। कुमार विश्वास के रीट्वीट पर कई यूजर्स ने नीतीश सरकार की तीखी आलोचना की। विकास कुमार नामक एक यूजर ने लिखा है, कुमार विश्वास जी, आपने नीतीश जी को टैग किया है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को टैग करने की हिम्मत नहीं है, किस बात को लेकर डरते हैं? कविवर, आप में कब जागेगा दुष्यंत और दिनकर की आत्मा? जबकि एक अन्य यूजर अजीता पांडे ने लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से करबद्ध निवेदन है कि बिहार की समस्त जनता को जो कि कोरोना से पीड़ित है उनके इलाज की उचित व्यवस्था पर ध्यान दें। बच्चे बीमार होते हैं तो माता पिता याद आते हैं। नेहा ने आप पर विश्वास करके आपसे मदद की गुहार की है, कृपया कर ध्यान दें। बहरहाल तेजस्वी यादव की पहल पर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की मां को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है और उन्हें तमाम सुविधाएं मिल रही हैं और उनकी तबीयत में लगातार सुधार हो रहा है।